प्रश्न क्या है? इट डेलिब्रेट्स अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू ओको पब्लिश सम स्पेसिफाई पर्पस, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे एक बहुत से लोग इकट्ठे हों और एक खास मकसद के लिए काम करें, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ट्रेडिशनल, यहाँ पे चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशनल और न्यू ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान क्या फ़र्क था? ट्रेडिशनल जो थी प्राइस मार्ट में वो स्टेबल थी, और जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनामिक है। ट्रेडिशनल इनफ्लेक्सिबल है और जो न्यू है वो फ्लेक्सिबल है। ट्रेडिशनल जॉब फोकस है, न्यू स्किल फोकस पे डिपेंड करती है। वर्क इज डिफाइंड बाय जॉब पोजीशन, वर्क आपकी जॉब की पोजीशन सेट करते हैं। वर्क इज डिफाइंड बाय इन टर्म ऑफ टास्क टू बी डन, जो आपने टास्क डन किया उसके हिसाब से वर्क डिसाइड होता है। इंडिविजुअल के ओरिएंटेड होती है और ये टीम ओरिएंटेड होती है। न्यू परमानेंट जॉब होती थी ट्रेडिशनल में, और यहाँ पे टेम्प्री जॉब होती है न्यू ऑर्गेनाइजेशन में। कमांड ओरिएंटेड होती है, आपको कमांड दी जाती है। कमांडर रिटेन होती है, मैनेजर आरवे मेक डिसीजन, मैनेजर हमेशा ओल्ड में डिसीजन लेते हैं, और जो के न्यू में होता है कि इन्वॉल्वमेंट ओरिएंटेशन होती है। रूल ओरिएंटेड होते हैं, एम्प्लाइज इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। वर्क डे डिफाइन होता है 9 to 5, और डिवर्स वर्क फोर्स होता है, यहाँ टाइम चेंज होता रहता है। हायरार्कियल रिलेशनशिप होता है, और वर्क डे हैव टू नो टाइम बाउंड्रीज होती है न्यू में। वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी ड्यूरिंग स्पेसिफाई आवर्स। लेटरली एंड नेटवर्क रिलेशनशिप, वर्क एनी वेयर एनी टाइम। न्यू में ये डिफरेंस है, न्यू और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में। वाई मैनेजमेंट, वाई स्टडी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टडी क्यों जरूरी है? द यूनिवर्सिटाइज ऑफ मैनेजमेंट, द रियलिटी दैट मैनेजमेंट इज नीडिड, आर टाइप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एट ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स इन आर ऑर्गेनाइजेशन एरिया एंड आर इन ऑर्गेनाइजेशन इन आर कंट्री अराउंड द ग्लोबल्स। मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? इसके एक डायग्राम है कि मैनेजमेंट जो है कि ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में के लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्मॉल हो लार्ज हो, तो उसमें के जो जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें मैनेजमेंट लाजमी है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एरिया, ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एरिया के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, मार्केटिंग का हो, ह्यूमन रिसोर्स का हो, अकाउंटिंग का हो, या इंफॉर्मेशन सिस्टम का हो। ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल, बॉटम टू टॉप, आर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जे एस के एडमी एजुकेशन फॉर आर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो।